भाई कुछ सॉफ्टवेयर्स बताओ जिसमें एक तगड़ी लेवल का वीडियो एडिट कर सकते हैं कंप्यूटर में। हाँ है ना, एडोब प्रीमियर प्रो। नहीं, उसके लिए तो हाई एंड पीसी की जरूरत है, वरना रेंडरिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो फिर क्या चाहिए? अब ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बताओ जो इसे टक्कर भी दे सके और ये चल जाए हमारे लो एंड पीसी में। लो एंड पीसी मतलब, अरे वही जिसमें एक 4 GB रैम और सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन का कोई प्रोसेसर हो। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजल और आप देख रहे हो क्रेजी। आज के वीडियो को बताने वाला हूं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके जरिए आप एक तगड़े लेवल का वीडियो एडिट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर आते हैं विंडोज के लिए वो है एडोब प्रीमियर प्रो वीडियो एडिट करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो बेस्ट कंप्यूटर उसका भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे लो एंड पीसी में चला लेते हो आप चला पाएंगे, वीडियो एडिट कर भी सकते हैं, लेकिन रेंडरिंग के टाइम में वो 1-1.5 घंटे या फिर कभी कभी 2-3 घंटे भी टाइम लगाते थे। मैंने अपना खुद से भी कुछ वीडियोज एडिट करके देखे हैं। सो दिस इज कैंसल। अभी मार्केट में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है जो कि ना प्रीमियर प्रो को टक्कर देने का काबिलियत रखते हैं। प्रीमियर प्रो तो अलग लेवल का है, लेकिन कुछ हद तक काबिलियत रखते हैं, और ये आप एक लो एंड पीसी में भी चला सकते हैं। आपको कोई हाई फाई कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर को। हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करना पसंद करेंगे, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये है वंडरशेयर की तरफ से आने वाला सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पर वंडरशेयर फिल्मोरा लिखते हैं। अभी फिल्मोरा के बहुत सारे वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है फिल्मोरा X यानी 10। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं फिल्मोरा 9 यूज़ कर रहा था, और फिल्मोरा 9 जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा वर्जन है जो बहुत वाइड मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, जैसे कि विंडोज 7। मतलब विंडोज़ के बारे में अगर बताएं तो विंडोज 7 बहुत यूज़ होता था, वैसे ही फिल्मोरा 9 जो है वो बहुत वाइड यूज़ होता था। अभी फिल्मोरा जो 10 आया है इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स मिले हैं, तो आप ढूंढ लीजिए अपने हिसाब से, या फिर आप फ्री वर्जन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पहला लिंक है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग से प्रोडक्ट्स आपको और भी मिल जाते हैं। सो आप ढूंढ के उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए सिस्टम में। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं और इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे जो वेलकम स्क्रीन आता है वहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो चूज़ करने के लिए बताया जाता है कि कौन सा साइज़ पे आप वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। और इस साइड पे दाएं साइड पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स का पैनल मिल जाता है। इस साइड पे दाएं साइड पे जो है आपको सारे प्रोजेक्ट्स का पैनल मिल जाता है जो कि ना आपने रिसेंटली यहाँ पे अभी काम किए हैं। तो हम अभी सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के साथ साथ आपके जो है विंडो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का जो विंडो आता है। और ये है यहाँ पे सारे मेनूज है, ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये जो नीचे है ये है आपका जो टाइमलाइन, जहाँ पे आप अगर यहाँ से वीडियो को ड्रैग करके, मतलब पहले लाना पड़ेगा वीडियो को, अब वहाँ से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा। और वीडियो आपको यहाँ पर टाइमलाइन में मिल जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए गए हैं जिनके मदद से आप जो है इन्हें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, इन टूल्स के मदद से आप इसे एडिट कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कितने सारे भर भर के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर डाले गए हैं। तो सारे इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आप अपने पसंदीदा इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है सारे लाइब्रेरी और इफ़ेक्ट को डाउनलोड करके रखे हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, या फिर मैं आपको और एक अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि कैसे हम एक पैकेज में सारे जो इफेक्ट्स उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, आपको एक एक करने की जरूरत, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आप एक साथ चाहे तो सारे इफेक्ट्स को, सारे जो भी टाइटल्स है, सारे जो भी चीज़ें यहाँ पर दिया जाता है, पूरा पैकेज को आप एक डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब एक प्लगइन आता है जिसके साथ आप इसे अटैच कर सकते हैं, तो आपको सारे कुछ मिल जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे ये जो विंडो है मुझे जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू विंडो है, कैसा लग रहा है आपका वीडियो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्रेम रेट बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे अगर वो रुक जाता है तो आप यहाँ पे जो है उसे क्वालिटी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ओरिजिनल क्वालिटी पे ही एक्सपोर्ट होगा। लेकिन आप जब एडिटिंग करेंगे तो वीडियो को प्ले पॉज करने में, बहुत सारे इफेक्ट लगाने में भी कभी कभी रुक जाता है वीडियो, तो वहाँ से आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको इसके बारे में अगर ट्यूटोरियल्स वीडियो भी चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्यों नहीं बता रहे आप लोग, जल्दी से बताइए। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए मैं आपके लिए ज़रूर से इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी लाने वाला हूँ। तो आपको चाहिए
और इसका सीरीज भी मैं शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ। तो बताइए कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपको ये चाहिए या नहीं। तो ये जो यहाँ पे ट्रैक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टी बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको जो है ट्रैक्स मिल जाते हैं, जो टाइमलाइन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो ट्रैक, ऑडियो ट्रैक, अलग अलग सब मीडिया के लिए अलग अलग सब मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं। तो आप जो है मल्टी लेवल एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम इसमें क्या मल्टी लेवल एडिटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्रीमियर प्रो को टक्कर देने वाला चीज़ अभी शायद आने वाला है, और मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ऐसा कुछ करने वाला है जिसके ज़रिए मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि प्रीमियर प्रो और ये काफ़ी हद तक सेम हो जाएगा। अभी ही मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक सेम हो चुका है, लेकिन प्रीमियर प्रो में क्या है, आप सारी चीज़ कस्टम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ है ये सिर्फ आपको टेम्पलेट्स बेस्ड है, मतलब पहले से ही बनाया गया है और उसमें आपको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आप पूरा आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, लेकिन इसमें आपको जो भी मिल जाते हैं वो आसान होते हैं काम करने में। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप कुछ दिनों से एडिटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें एडिटिंग करेंगे तो इसमें आपको एडिटिंग करने में आसानी होगी। यहाँ तक मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे प्रो लेवल का, एक प्रोफेशनल लेवल का एडिटर भी कभी कभी मैंने देखा है कि फिल्मोरा का भी यूज़ कर लेते हैं। प्रीमियर प्रो में एडिट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हाँ प्रीमियर प्रो में एक चीज़ है कि वहाँ पर कलर का जो काम है वो अच्छे तरीके से होता है, कलर एडिटिंग आप कलर ग्रेड जो है वो प्रीमियर प्रो में अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें कलर ग्रेड उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बाकी सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। आप चाहते इसमें डायरेक्ट वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो माइक का आइकन है इसके जरिए आप डायरेक्ट ऑडियो को रिकॉर्ड करके टाइमलाइन में इंसर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी चीज़ है। टाइमलाइन का जूम इन जूम आउट बहुत सी सारी चीज़ें कर सकते हैं, और भी चीज़ें मैं आपको एडिटिंग में बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। और तो और सिर्फ यही नहीं, आपको और भी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग, स्टेबिलाइजेशन, क्रोमा की जो कि ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे ही मैंने एडिट किया है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्रोमा की का भी चीज़ें मिल जाती है। लेंस करेक्शन, ड्रॉप शैडो, ऑटो एनहांस, बहुत सारे प्रोफेशनल टूल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और आप चाहे तो एक क्लिक में से रिसेट भी कर सकते हैं, ऐसा भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और अगर आपका वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब डिवाइस और वीमो का भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्रिएट वीडियो पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आप पॉपुलर जो भी फॉर्मेट्स हैं उन्हें देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सा। और अगर मैं यहाँ पे MP4 का यूज़ करता हूँ जो कि पॉपुलर फॉर्मेट है, और यहाँ पे सेटिंग्स पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेस्ट, बेटर और गुड तीनों क्वालिटी यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक एनकोडर भी दिया गया है जो कि ना है H.264, वो सबसे पॉपुलर एनकोडर भी यहाँ पे आपको दिया जाता है, सबसे पॉपुलर एनकोडर है H.264। और MPEG ये भी आपको मिल जाते हैं, आपको अलग अलग से रेजुलेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4K तक का भी मिल जाता है, मतलब आप इसे 4K वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे फ्रेम रेट्स भी अलग अलग से देखने को मिल जाते हैं। मैं दरअसल जो है 60 FPS पे रिकॉर्ड करना या फिर एडिट करना पसंद करता हूँ, और यहाँ पर अलग से बीट रेट, आपका इनकोडिंग, सारे जो है यहाँ पे बीट रेट, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाते हैं, और आपको बस ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने नाम, और यहाँ पे चूज़ करना होगा कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी GPU है यानी ग्राफिक्स प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड है, तो आप इसे टिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका वीडियो जो है कुछ ही देर में, यहाँ पे टाइम दिया जाता है, कुछ ही देर में वो तैयार होके आ जाता है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर फ्री है या फिर पेड है। ऑब्वियसली एक पेड सॉफ्टवेयर है। क्रैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्रैक क्रैक भाई, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या चीज है आप ढूंढिए, गूगल है, यूट्यूब है, और बहुत सारी जगह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आशा करता हूँ कि समझदारों को इस तरह ही काफ़ी है। सो अगर इस वीडियो के जरिए आपको कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला है, और आगे भी आप चाहते हैं कुछ ऐसा ही चीज़ें आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करके उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। मन में कुछ क्वेश्चन, कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगले कोई वीडियो में, तो अगले देखते रहिए क्रेजी आस्क।